यस बेटा नेक्स्ट देखिए आप बोर्ड पे अभी कुछ जो लिखा है इसमें अभी और कुछ पूछना तो वो पूछिए आप। तो बेटा ये 6.1 कंप्लीट है, लीनियर इनइक्वालिटीज ax plus b less than c और greater than c। इसके बाद बेटा 6.2 नहीं गए, 3 नहीं कर रहे क्योंकि वो ग्राफिकली है, पहले मिसलिनियस कर रहे हैं, उसमें 6.2 और 3 का कोई क्वेश्चन नहीं है ताकि एक जैसे क्वेश्चन की आपकी प्रैक्टिस हो जाए बेटा। 6.2 और 6.3 क्या है, लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स है। टू वेरिएबल्स का मतलब ax plus by less than c और greater than c, इस टाइप के क्वेश्चन है। अभी तक तो एक वेरिएबल था ना x बेटा, उसमें दो है, उसको ग्राफिकली सिलेबस में है। अभी इससे पहले मिसलेनियस कर रहे थे ये बाद में, ताकि ऐसे क्वेश्चन है मिसलेनियस। देखिए बेटा मिसलेनियस एक्सरसाइज, मिसलेनियस एक्सरसाइज, मिसलेनियस प्लस वन प्लस टू के अंदर हर एक चैप्टर की वेरी इंपॉर्टेंट है, मिसलेनियस एक्सरसाइज हर एक चैप्टर की, और थोड़ी सी मेहनत भी है उसके अंदर। देखिए फर्स्ट एग्जांपल मिसलेनियस एक्सरसाइज का, दिस इज माइनस एट इज लेस देन इक्वल टू 5x माइनस 3 इज लेस देन 7, ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए, इसको सोल्व करना है, यानी बच्चा स्टेज पे आके कह रहा है मैथ पजल्स के लिए भाई ऐसा नंबर बताओ जिसको 5 से मल्टीप्लाई करके माइनस 3 करें तो उसका आंसर माइनस 8 या उससे ज्यादा हो बट लेस देन 7 हो। ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। इसमें एक्स कुछ नहीं लिख रखा, नेचुरल है, इंटीजर है, क्या है कुछ नहीं लिख रखा, तो ये मान के चलेंगे एक्स रियल है, ये अंडरस्टूड है कि एक्स रियल है इसके लिए। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। फर्स्ट मेथड, भाई लॉजिक क्या है, जैसे हमारे पास ये लिखा हुआ है लेस देन बी लेस देन सी, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, ए लेस देन बी एंड लेस देन सी, तो अपना आप यही हो गया ना, ए लेस देन बी लेस देन, दो पार्ट करते हैं तो क्या लिखेंगे, माइनस एट इज लेस देन इक्वल टू 5x माइनस 3 एंड साइमल्टेनियसली 5x माइनस 3 इज लेस देन 7, तो माइनस 5 इज लेस देन इक्वल टू 5x, माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू x, 5 से डिवाइड कर रहे हैं, देयरफॉर x चौंच खुली है तो क्या पढ़ेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1, फर्स्ट कंडीशन ही आई हमारे, कोई डाउट लॉजिक में या इसको सोल्व किया। सेकेंड नंबर कोट करना है आपको, कोई डाउट है तो नंबर कोट करना है, 1 या 2। इसी तरीके से ये बेटा 5x इज लेस देन 10 तो x इज लेस देन 2, तो इन दोनों को मिलाकर x का जो आंसर आएगा वो लिखना है, ये थर्ड में इन दोनों को मिलाकर जो x का आंसर आएगा वो हमें कोट करना है, इन दोनों को मिला, तो फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड रफ वर्क नंबर लाइन ड्रा करें हम, दो बाउंड्रीज है, एक माइनस वन और एक टू, पहले कौन सा आता है माइनस वन और टू में, पहले माइनस वन आता है और फिर क्या आता है, टू आता है, माइनस वन से तो ग्रेटर इक्वल और टू से लेते हैं,
माइनस वन से तो ग्रेटर इक्वल है और टू से लेस है, तो दोनों को मिला के हम क्या कह सकते हैं, माइनस वन से ज्यादा टू से लेस रियल नंबर है, दे नहीं रखा, बट अंडरस्टूड है अगर कुछ नहीं दे रखा तो एक्स क्या मान के चलेंगे, रियल। तो फर्स्ट और सेकंड को मिला के हमारा आंसर ये आ गया, लोअर लिमिट तो माइनस वन है, अपर टू है, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड एक्स क्या है, माइनस वन और टू के बीच में, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू, एक्स चौंच खुली है तो ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन, बट लेस देन टू, चौंच बंद है तो लेस देन टू। तो हम लिखेंगे क्या आंसर, एक्स बिलोंग्स टू, रियल नंबर है तो आप कर्ली ब्रैकेट को यूज कर नहीं सकते, एक्स बिलोंग्स टू इनफाइनाइट नंबर, हम इसके बीच में लिख नहीं सकते, वन के बाद टू, वन के और टू के बीच में भी इनफाइनाइट हो लिख नहीं सकते, तो ब्रैकेट यूज करेंगे, ये लोअर लिमिट जैसे पिछली एक्सरसाइज में किया था, ये अपर लिमिट, माइनस वन के साथ क्लोज और टू के साथ, ये हमारा आंसर है। थ्री नंबर, फोर्थ नंबर जो हमने रफ वर्क किया है, फिफ्थ नंबर देयरफॉर कंक्लूजन निकाला है, सिक्स्थ नंबर देयरफॉर आंसर आ गया। छह स्टेप्स बोर्ड पे आपको नंबर पूछना है सर, नंबर थ्री क्या, क्या चीज बेटा, नंबर थ्री यस बेटा, नंबर थ्री में ये था ए लेस देन बी, ये इक्वेशन दी हुई थी, दी हुई है बेटे, आप बुक में से देख पाएंगे बेटा, बुक है आपके पास इस वक्त, बुक में पेज नंबर वन, यस बेटा, यस सर एक मिनट, आप 130 नंबर पेज देखिए बेटा, 130 नंबर बुक पेज नंबर 130 130, मिसलेनियस एक्सरसाइज बुक पेज नंबर 130। यस सर, आप पूछिए बेटा, थ्री नंबर हमें, हमने कंक्लूड कर लिया बेटा, कैसे ए लेस देन इक्वल टू बी तो ये ले लिया, बी लेस देन सी, आप पूछिए आउट, ये मिसलेनियस, तो मिसलेनियस इंपॉर्टेंट है, 20 से 25% जो आपका पेपर आता है वो एक्सपेक्टेशन रहती है मिसलेनियस क्या है, 1/4 लगभग, यानी 20 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो 5 क्वेश्चंस मिसलेनियस से एक्सपेक्टेड रहते हैं। कोई डाउट, नंबर पूछिए आप, नहीं इसका सेकंड मेथड रब कर रहे हैं बेटा, इस सर इनके हर क्वेश्चन में ग्राफ बनाने जरूरी है या फिर हम, नहीं अगर वो कहेगा तो बनाने, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है, ये नहीं कि बनाएंगे तो गलत नंबर काट लेगा, तो लेकिन हम एक्स्ट्रा हम करेंगे उसके अंदर, बाय चांस कोई गलती हो जाए इसके अंदर, वो तो रफ वर्क के लिए लिख दिया बेटा, ठीक है ना बेटा, तो कहे तो बनाना है, अदरवाइज नो नीड। देखिए फिर सेकंड मेथड इस क्वेश्चन का, भाई हम एक्स्ट्रा चीज हम क्यों मेंशन करें, सेकंड मेथड डोंट सेपरेट, अभी तो अलग अलग ले लिया, ए लेस देन बी अलग लिया, बी लेस देन सी अलग लिया, डोंट सेपरेट, ट्रिक क्या है, डोंट सेपरेट, अलग अलग मत करें, इफ एक्स इज इन बिटवीन ओनली, एक्स केवल बीच में हो, एक्स बीच में ना केवल, लोअर लिमिट और अपर लिमिट में एक्स नहीं, तो आपको सेपरेट करने की जरूरत नहीं है, सेपरेट मत करें आप, अगर एक्स केवल बीच में है तो आपको सेपरेट करने की जरूरत नहीं है, तो करेंगे कैसे बेटा, 5x-3 जो कि ज्यादा एडवाइजेबल है सेकंड मेथड इज लेस देन 7, हमें तो एक्स चाहिए बाकी चीज नहीं चाहिए, जैसे हम 10th क्लास में करते थे, 3 को पहले खत्म करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे, तो ऐड 3 थ्रू आउट,
थ्रू आउट सब जगह थ्री ऐड कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थ्री ऐड कर दिया सब जगह थ्रू आउट, सब जगह ऐड कर दिया थ्रू आउट, थ्री ऐड कर दिया। अब फाइव है तो फाइव से डिवाइड कर दो, तो इतना केस करने की जरूरत नहीं, फर्स्ट और सेकंड ना नंबर लाइन बनाने की जरूरत, डायरेक्ट आंसर है। बुक में तो सेपरेट करके किया हुआ, लेकिन सेपरेट करने की क्या जरूरत है अगर एक्स इन भी है, हमें तो एक्स चाहिए तो सिर्फ एक्स ही बच गया। ये आंसर कितना आसान, देखिए सेपरेट करने की जरूरत नहीं है अगर एक्स केवल बीच में हो। हाँ एक्सट्रीम्स पे होता, लोअर लिमिट और अपर लिमिट में होता फिर तो करते, अदरवाइज सेपरेट करने की जरूरत नहीं है। तो आंसर क्या आ जाएगा, दैट इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर है ना, पहले लोअर लिमिट, ये लोअर लिमिट है, फिर अपर लिमिट है, माइनस वन इंक्लूडेड है तो क्लोज ब्रैकेट, टू इंक्लूडेड ओपन ब्रैकेट। अपना हो जाएगा कि रियल नंबर के बारे में ही बच्चा कहता है। कोई डाउट ट्रिक में, कोई डाउट, वन टू थ्री फोर और आंसर फाइव नंबर पूछे हैं आप, नंबर बोलिए आप। तो बहुत अच्छे, तो यही तो है सिलेबस बेटे, यही सिलेबस है बेटा, और मेंस का 50% सिलेबस यही है मेंस में, ये तो आना ही था। ये नहीं आएगा तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे, ये तो बेसिक्स है बेटा, स्टेप नंबर वन टू थ्री अप टू टेन तक ऐसे। अब स्टेप नंबर वन नहीं चढ़ेंगे, टू नहीं चढ़ेंगे, स्टेप वन फिर स्टेप टू फिर स्टेप थ्री, सीधे वन से थ्री पे जंप करना चाहेंगे तो गिर जाएंगे, चोट लग जाएगी। तो ये बेसिक्स, फिर फर्दर इस ढंग से करेंगे बेसिक्स मेंस एडवांस ऐसे करेंगे। हाँ जी बेटा पूछिए। सर हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सब्ट्रैक्ट और कुछ भी मतलब कर सकते हैं या मल्टीप्लाई? यस बट चार ही ऑपरेशन है, प्लस माइनस इनटू डिवीजन बेसिकली हमारे पास, और भी है लेकिन बेसिकली तो प्लस माइनस इनटू डिवीजन है। अब मान लो यहाँ पे प्लस होता तो माइनस कर देते। ओके सर, प्लस माइनस इनटू डिवीजन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क कहाँ पड़ेगा जब डिवाइड या मल्टीप्लाई नेगेटिव से करेंगे तो, अदरवाइज नहीं पड़ेगा। आंसर जनरल नॉलेज, एक और चीज बताना चाहते हैं आपको। यस पूछिए बेटा, दोबारा लिख देते हैं, नंबर बोलिए आप। एक बार मैं को ये पूछना, नहीं सर वो प्रॉब्लम नहीं है सर, अगर दो वेरिएबल हो जैसे -8x होता अगर वहां पे तो फिर कैसे करते हैं, तो फिर हमें अलग अलग ही डिवाइड करके करना पड़ता? हाँ हाँ, फिर हम सेपरेट करके करते, a लेस देन b एक पार्ट, b लेस देन c अलग पार्ट, दोनों जगह ही x होता तो अब केवल x इन बिटवीन है, इन बिटवीन का मतलब बीच में ही है, एक्सट्रीम्स पे नहीं है। अगर एक्सट्रीम्स पे भी होता तो हमें दो पार्ट करके ही चलना पड़ता बेटा। और पूछिए आप, और देखिए नोट, अगर क्वेश्चन ये होता -5x होता तो डिवाइड बाय -5 करते थ्रू आउट। आपको पता है माइनस से डिवाइड करने साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है, तो इसमें लोअर और अपर लिमिट चेंज हो जाएंगी। अपर लिमिट क्या 10 डिवाइडेड बाय -5, ये इधर आ जाएगी, लोअर लिमिट क्या -5, ये इधर आ जाएगा, और यहाँ लेस, ये लेस देन इक्वल टू -5x ओवर -5। -5 से डिवाइड करने के बाद लोअर और अपर लिमिट चेंज हो जाएंगी, लोअर और अपर लिमिट ये ध्यान रखना है, -5 से डिवाइड करेंगे तो लोअर और अपर लिमिट चेंज हो जाएंगी, लोअर और अपर लिमिट -5 से डिवाइड करेंगे तो लोअर और अपर लिमिट चेंज हो जाएंगी, लोअर और अपर लिमिट फिर से देखिए। अगर ये होता 5x तो आया हमारा
माइनस फाइव से टेन। अगर माइनस फाइव होता तो माइनस फाइव से डिवाइड करते तो लोअर और अपर लिमिट इंटरचेंज होता, यानी क्या बनता, टेन तो इधर आ जाता डिवाइड बाय माइनस फाइव, तो माइनस टू इज लेस देन एक्स इज लेस देन इक्वल टू वन, ये आंसर है। अगर ये होता, ये क्वेश्चन ये होता तो इसको हम ऐसे सोल्व करते, माइनस फाइव से डिवाइड तो करते लेकिन लोअर और अपर लिमिट चेंज हो जाती है। अब आपको कोई डाउट है तो पूछे, तो इन बिटवीन है तो ऐसे करना, इस तरीके से करना है तो। कोई डाउट तो आपका होमवर्क क्या रहेगा बेटा, आपको क्या करना है? हाँ जी बेटा, दोबारा लिखें क्वेश्चन बेटा। मान लो क्वेश्चन ये होता सर, यस कुछ, हाँ जी सर, इसमें जैसे हम जब माइनस का साइन होता है एक्स पे तो उसका साइन चेंज हो जाता है, जो वो जिस तरफ होता है वो ग्रेटर देन का साइन, yes, तो सर अगर हम इनइक्वालिटी का चेंज करेंगे तो अगर दो लेस के साइन है ना तो बेटे लोअर और अपर लिमिट चेंज कर दो, बस आप ट्रिक बता दी आपको, ट्रिक क्या बताइए कि लोअर और अपर लिमिट चेंज कर दीजिए आप, तो टेन पहले आ गया, आपके बाद अच्छा बेटा और करते हैं बेटा, बोर्ड तो क्लियर ही था। अब ठीक, अब देखिए बेटा, अगर हम ट्रिक के रिजल्ट फिर से बताते हैं बेटा, अगर हम माइनस फाइव से डिवाइड करेंगे तो लेस का ग्रेटर, ग्रेटर का लेस हो जाएगा, तो ये लेस देन इक्वल, ये ग्रेटर देन इक्वल का साइन है ना एक्स के साथ ग्रेटर देन, तो यहाँ लेस का आ गया, ये लेस का साइन था तो इधर ग्रेटर का बन गया एक्स ग्रेटर देन, माइनस फाइव से डिवाइड करेंगे तो यही तो है रूल। इन अदर वर्ड्स लोअर और अपर लिमिट चेंज हो गई, इन अदर वर्ड्स लोअर और अपर लिमिट चेंज हो गई। और पूछिए आप सर, वो तो दोनों के साइन वन टू थ्रू आउट चेंज करेंगे, थ्रू आउट, थ्रू आउट का माइनस फाइव से डिवाइड कर रहे हैं, ये नहीं कि एक टर्म को करेंगे, तीनों टर्म्स को करना पड़ेगा बेटा। सर मैं कह रही हूँ कि वो जो ग्रेटर देन है वो उस साइड नहीं जाएगा साइन, दूसरी साइड, ये देखो एक्स ग्रेटर देन है ना, इसको क्या पढ़ेंगे एक्स इधर, इधर से पढ़ेंगे तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू है, पर यहाँ लेस देन इक्वल टू बन गया ना, साइन चेंज अपने आप हो गया, x greater than equal to था, यहाँ x less than equal to आ गया, और आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, अगर x in between है तो lower और upper change हो जाएंगी, lower limit और upper limit change हो जाएंगे, बस simple सा concept change हो जाएगी, 10 upper में था वो lower में आ गया, minus 5 lower में था वो upper में चला गया, अब भी तो यही ना बेटा, x greater than equal to है, यहाँ जाके less than equal to आ गया, यहाँ x less than equal to है, यहाँ जाके x greater में आ गया, x greater than 10 वाला factor इधर आ गया, तो change होगी अपने आप, तो minus वाले में ये ध्यान रखना है, plus वाले में तो कोई दिक्कत थी नहीं बेटा। और पूछिए बेटा, पर sign change का मतलब फिर यही हुआ ना कि वो greater than से greater than equal to हो गया। हाँ, तो ये x greater than equal to था, ये x greater than equal to था ना, यहाँ जाके less than equal to आ गया बेटा, minus 5 यहाँ था तो x greater than minus 5 था, इधर x less than minus 5 आ गया, ये मीनिंग हुआ। तो सर ऐसे जब कोई क्वेश्चंस आएंगे इसी पैटर्न के अंदर तो हम जो उनके साइन है उन जो फर्स्ट और सेकंड साइन है उन दोनों को ऑपोजिट कर देंगे, हाँ इंटरचेंज कर देंगे लोअर और अपर लिमिट, कई टीचर ऐसे भी बताते हैं बेटा जनरल नॉलेज, कई टीचर इस ढंग से भी एक्सप्लेन करते हैं, माइनस फाइव डिवाइडेड बाई माइनस फाइव इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स इज ग्रेटर देन टेन ओवर माइनस, ऐसे भी करते हैं।
उसको आप ऐसे लिख दो भाई, ऐसा भी कर सकते हैं, कई टीचर ऐसे भी बताते हैं भाई, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू लिख दिया, यहाँ ग्रेटर देन लिख दिया और फिर इसको इंटरचेंज कर दिया, ऐसे भी लिखते हैं, समझ गया बेटा? आसान ये है, आसान ये है, इजी वे ये, कोई डाउट? बस आंसर और पूछिए बेटा, और तो आपका काम क्या रहेगा, और बोलिए बेटा आपका काम क्या रहेगा। देखिए एक तो आपको 6.1 करनी है, ओड या इवन क्वेश्चन जैसे ओड नंबर कर लेना, और सेकंड आपको क्या करना है, एग्जांपल 16, 17, 18 एंड क्वेश्चन 1 to 6 ये पूरे कर लेना बेटे, ये वाले तो ऑफ मिसलेनियस, इसके ओड नंबर कर लेना, ये वाले तो पूरे करना, इससे आगे वाले आएंगे। कल बेटा संडे अपर क्लास तो लगाना चाहेंगे ना बेटा आप? यस बेटा, बेटे कल क्लास तो रख लेना बेटा, सर यही टाइम पे। हाँ आप बताओ, यही टाइम ठीक है अभी ना बेटे? मंडे को आपकी टाइमिंग ये रखेंगे, मंडे को, इस वक्त ट्यूशन तो नहीं होती बेटे, मंडे को फ्रॉम मंडे, कल तो यही, कल तो संडे है, यही 5 PM मंडे को रखेंगे आपकी टाइमिंग, मंडे को noon, ठीक है बेटे, क्लियर है क्या बेटे? कल तो यही टाइमिंग है, मंडे को ये रखेंगे, मंडे को ये, और आफ्टर सम डेज जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा फिर आपकी टाइमिंग होगी 3 PM to 4 PM आफ्टर सम डेज, अभी तो मंडे से कुछ दिन ये, जब तक 6 chapter है, 4-6 chapter, फिर आपको बेटे एक ग्रुप है आपके स्कूल के ही बच्चे हैं बेटा 3, उनके साथ क्लब करेंगे बेटा, जब नया चैप्टर स्टार्ट होगा फिर 3 से 4 करेंगे। खैर कल इसी टाइम, कल आपको मिसलेनियस कंप्लीट करवाएंगे, मिसलेनियस एक्सरसाइज। कोई और बात आपको डिस्कस करनी है तो बोलिए बेटा आप, कल तो यही टाइमिंग, मंडे को रखेंगे 12:30। अभी आपको कोई और बात डिस्कस करनी है तो पूछिए आप, ठीक है बेटा? थैंक यू, काम रेगुलर करेंगे। यस बेटा रेगुलर करेंगे, अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग, अच्छे ढंग से आप पूछते हैं, आप पूछिए, उसमें कोई एजिटेशन नहीं है, आप आराम से, आपको पूछना है कोई डाउट हो, ये नहीं कि टीचर क्या सोचेगा या साथ वाला जो बच्चा हो गया, कोई भी डाउट है और पूछना तो हम काफी आसान इसलिए कर देते हैं, आपको केवल स्टेप नंबर ही पूछना है बेटा, ठीक है बेटा? थैंक यू, ओके बेटा, थैंक यू, ओके बेटा, Thank you.